राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम भारी बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शहर के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए, यहां तक कि नए संसद भवन परिसर में भी पानी टपकने लगा। विपक्षी दलों ने इसके लिए सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दल पुरानी संसद से इसकी तुलना कर बैठे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा कि इस नई संसद से अच्छा तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल लिया करते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक के अरबों रुपयों से बनी है संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी क्यों टपकता है, उनकी सोच समझ कर बनाई गई ये डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बाहर पेपर लीक, अंदर पानी का रिसाव, राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संसद लॉबी के हॉल में ही पानी का रिसाव, नए भवन में मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है, निर्माण पूरा होने पे सिर्फ एक साल बाद ही ऐसी स्थिति हो गई। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि भारी बारिश के कारण शहर में गुरुवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज शाम हुई भारी बारिश के बाद और कल भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर रखते हुए सरकारी और निजी स्कूल 1 अगस्त को बंद रहेंगे। भारी बारिश के कारण उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रॉबिन सिनेमा के पास एक मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में भी एक अन्य घटना में दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई है। खराब मौसम के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली कम से कम 10 उड़ानों को गंतव्य बदलकर दूसरे हवाई अड्डों पर उतारा पड़ा। इनमें से 8 उड़ानों को जयपुर और 2 को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। विमान कंपनियों ने और भी उड़ानों में व्यवधान की आशंका जताई है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।